मोबाइल यहाँ इनके पिलों के नीचे से निकलता है, इनके अपने नीचे से निकलता है। ये कह रही है कोजी है। क्या आप इनको दूसरी शादी करने देंगे? बिल्कुल करने दूँ। समनान कह रही है, इतने केयरिंग, इतने 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 मैं तो परेशान हो जाती हूँ, इतने केयरिंग कोई कैसे हो सकता है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर होस्ट वजीहा बस, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ जोड़ीदार। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो भाई आज मेरे साथ सेट पर जो कपल मौजूद हैं, कुछ टाइम पहले इनकी एक चेयर लिफ्ट की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। हुआ कुछ ऐसे था कि ये दोनों हनीमून पर गए हुए थे और उनकी जो बीवी है इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो इनके हस्बैंड ने ये वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर लगा दी, जिसके बाद ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। यकीनन ये वीडियो आपने भी देखी होगी, ये वीडियो मैंने भी देखी है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आपकी मैं मुलाकात करवाती हूँ समनान से और राबिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं समनान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। राबिया आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताएं क्या वाक्या हुआ, किस तरह से आप लोग वायरल हुए, कैसे आइडिया आया कि यार चेयरलिफ्ट पे डर रही है फौरन से वीडियो बना लेता हूँ? ये वैसे तो नहीं डरती मेरी किसी भी बात से, लेकिन उसे ना ऊंचाई से डर लगता है, उस चीज का फिर मैंने फायदा उठाया। अच्छा। मैंने कहा चलो बैठी हुई है एक पल के लिए, चलो मेरे से डरी तो है ना, इसे इसका फायदा उठा के मैंने उसे रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा। तो मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिया, फिर वो काफी ज्यादा वायरल हो गया। तो जो लाइंस आप बोल रही थी वो स्क्रिप्टेड थी या? कुछ स्क्रिप्टेड था और कुछ मतलब चेयरलिफ्ट के थोड़ा सा टाइम में बैठे बैठे स्क्रिप्ट भी बना ली। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने माफी इनसे मंगवाई थी, माफी मांगो पिछले उस टाइम। एक्चुअली देखे मेरी बात सुने, ये कहते हैं कि मुझसे डरती नहीं है, डरना किस चीज से? अल्लाह ताला की जात के अलावा किससे डरना है इंसान ने? तो फिर क्यों इनसे क्यों मैं डरूं? चेयरलिफ्ट से भी तो डर गई थी। नहीं, वो तो थोड़ी ऊंचाई थी ना, तो मौत से तो खौफ आता ही है। हाँ। जाहिर सी बात है हर किसी को ही आता है, तो इस वजह से अल्लाह ताला के अलावा किससे डरना? सर कैसे माफिया मांगे थे, मैं मांग के दिखाते हैं। हाँ नहीं, वो तो मुझे इतना ज्यादा खौफ आ रहा था, इतना ज्यादा खौफ आ रहा था कि मैं बहुत ज्यादा डर रही थी और मैं कह रही थी कि प्लीज प्लीज प्लीज। इसने फिर घर आके ना मुझे गर्म मिस्त्री से डराया। मैं मुझे बार बार मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह कह रही थी तुमने माफी मांग ली, इतनी सी बात से माफी मांग ली, इतना। तो फिर इस वजह से फिर मैंने बहुत गुस्सा आफ्टर इफेक्ट्स थे ना। वही। अच्छा ये बताएं आप दोनों की शादी कैसे हुई थी और कब हुई थी? हमारी शादी को ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं। अच्छा। और ऐसा हुआ था कि इनका प्रपोजल आया था टोटली अरेंज मैरिज। अच्छा। अम्मा ने पसंद किया था इनकी? हाँ जी, इनकी मामा ने पसंद किया था। मुझे ना इंस्टाग्राम पे इसका मैसेज आया, मैंने वैसे ही मैसेज आया, मतलब हमारा रिश्ता हो गया हुआ था। अच्छा। ठीक है, तो मैं ये चाह रही थी, नहीं काफी टाइम के बाद ना। हाँ, मुझे मैंने कहा शायद ऐसी किसी लड़की का अल्लाह का शुक्र है मैसेज आ गया, मैंने उसको ओपन किया तो मैं ना इसके साथ थोड़ा सा ना नहीं, मैंने तो बस जस्ट हाय का मैसेज किया इनको। हाँ। जस्ट हाय का मैं देखना चाह रही थी, मैंने कहा यार थोड़ी बात कर लूं, मतलब मैंने इनको देखा नहीं हुआ था। हाँ। बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ था कि इंसान होता कि किसी को देखता है, इस्लाम भी चीज की इजाजत देता है। नहीं, पिक्चर में थोड़ा सा इतना वो नहीं क्लियर नजर आ रहा था, इनके घर वालों ने पिक्चर्स ऐसी दी थी बिल्कुल साइड पोज थे, बिल्कुल इस टाइप का, मतलब फ्रंट पोज कोई भी नहीं था। तो मैंने ऐसे ही इतनी ना मामा के इंस्टाग्राम से ना इनको ना अपनी मामा के इंस्टाग्राम से इनको ना मैसेज हाय का किया, इन्होंने आगे से 10 मैसेज और कर दिया मुझे फौरन फौरन फौरन। आपने पहचान लिया था मेरी मंगेतर है? नहीं नहीं, मैं पहले नहीं पहचाना था, लेकिन हुआ हुआ था किसी लड़के के मैसेज आगे से 10 मैसेज कर दिया आपने। फिर मैंने इससे शादी से बाद में पूछा कि आपको पता चल गया था कि मैं फ्लर्ट कर रहा था? हाँ। वो कहती है फौरन लड़कियों को पता चला। आपको गुस्सा नहीं आया कि भाई इसको पता भी नहीं है मैं कौन हूं, शुरू हो गया मेरे साथ? ऐसा था कि मैंने कहा घर वालों ने कर दिया है तो नहीं, ये कह रहे हैं कि इनको नहीं पता था कि मेरी मंगेतर ने टेक्स्ट किया और एकदम शुरू हो गए बात कर, एक मैसेज के 10 मैसेज कर दिया, आपको गुस्सा नहीं आया? नहीं, मैं नॉर्मल, मैंने कहा कोई बात नहीं करने दें अभी, कोई नहीं आना तो मेरे हाथ ही है ना। तो पहली मुलाकात कब हुई थी फिर? पहली मुलाकात निकाह के बाद हुई थी। निकाह देखा ही नहीं था एक दूसरे को, निकाह के सिग्नेचर कर लिए थे, उसके बाद सिग्नेचर भी अलग अलग हुए थे, मतलब ये दूसरे को। इतना बड़ा रिस्क लिया है कि सिग्नेचर करके हस्बैंड ने कहा कि भाग ही नहीं सकती थी फिर आप? बस फिर घर वालों ने किया। एक्चुअली ऐसा था कि मेरे बहुत ज्यादा प्रपोजल्स आ रहे थे, मतलब शादी से पहले जाहिर सी बात है सबके ही आते हैं, तो बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो मैंने ये था कि मुझे ना कोई लड़का पसंद नहीं, मेरे घर वाले मेरे से बहुत तंग आ गए थे। अच्छा, क्यों? कि कोई मुझे पसंद नहीं आ रहा था ना। अच्छा, अच्छा। कि मैं कहती थी इसका नाम नहीं अच्छा, नहीं अच्छा, ये ऐसा नहीं नाम नहीं अच्छा
इसको ना मेरा नाम थोड़ा यूनिक है, वो इसको पसंद आया। आपका नाम यूनिक तो उसी पे इसने हाँ बोल। अच्छा, अब निकाह साइन करने के बाद सुमनान को देखा, क्या लगा यार? मैंने कहा यार अब तो कोई चांस ही नहीं इनकार का। क्यों पसंद नहीं आए थे? नहीं बस ये ना मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी कि हाँ। इतना बड़ा जिंदगी का एक रिस्क ले लिया था और मैंने कहा था ये देख ले सुमनान, एक लड़की जिसपे नखरे करती थी, लड़के को रिजेक्ट करी थी कि नाम पसंद नहीं है, और आपको देखे बगैर निकाह पे साइन करती है। 10-15 रिजेक्ट की थी, लेकिन मैं भी एंड पे जब बंदा तंग आ जाता ना यार, कोई भी मिल जाए मुझे। ये बताएं आप दोनों लेट क्यों हैं? आप लोग का हम कब से इंतजार कर रहे थे? दो घंटे लेट आए हैं, अब आप बताएं जी क्यों लेट हुए? 10 बजे की तैयार हो रही है, कभी मैं कहता हूँ हीटर के पाइप पे ठुड्डा मार दिए चलते फिरते, कभी मेकअप की किट्स गिरा देती, कभी कुछ, कभी बाल स्ट्रेट करने लग जाती, मैं तो 2 मिनट में तैयार हो गया। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले तो ये कि आपको पता है लोड शेडिंग कितनी ज्यादा हो रही है आजकल, बहुत मसला हुआ है। वो ड्राइवर भी आधे बाल स्ट्रेट हुए थे, आधे वैसे ही रह गए थे, लाइट चली। हाँ जी, यूपीएस पे लग नहीं सकता, वो गुस्सा फिर आप पे तो निकला। नहीं मैं नहीं, ये तो कुछ नहीं मुझे कहेंगे, ये तो मैं तो इनके ऊपर भी पांव रख दूंगी। तो मैं उस मौके पे इसे नहीं ना कह सकता, मैं इनके पांव पे भी पांव रख देती ना, तो इन्होंने तब भी नहीं कहना था, क्योंकि रात तक मेरा यही प्लान था कि मैंने नहीं जाना, चाहे क्यामत भी आ जाए। नाराज हुई थी ना इससे, मैंने कहा नाराज ना हो जाए, अभी जो मर्जी फेंकती है फेंकी जाए, बाद में देख लेंगे। जब निकला हूँ घर से फिर मैंने बताया कि इसलिए नहीं मैं आपको कुछ कह रहा। नहीं मैं थोड़ा सा परेशान थी, क्योंकि ही सो क्लेवर पर्सन, तो जब कभी इन्होंने मेरे से काम निकलवाना होता मेरे साथ इतने अच्छे हो जाते, इतने अच्छे हो जाते हैं कि बहुत ही ज्यादा। ये हर बीवी का ही रोना होता है कि जब काम होते तो हस्बैंड बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा ये बताएं, जब वीडियो वायरल हुई उसके बाद से आपने और कंटेंट बनाना शुरू कर दिया? हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर लोग बनाते जा रहे थे, तो फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आई थी, तंग किया था फैमिली ने कि ये क्या कर रहे हो? दोनों की फैमिलीज ने? हाँ फैमिली ने तो ऑब्वियसली तंग किया, फिर मास्क वगैरह पहना के हम ना लिमिट में रह के बनाते हैं। हमारी जो ऑडियंस है ना फैमिलीज ही हमें देखती हैं और बड़ा पसंद करती हैं। किस तरह का कंटेंट है? कंटेंट ये है कि हम घर के अंदर ही बनाते हैं, लोग समझते हैं कि बाहर जाके वीडियो वायरल होगी, एक ही घर के अंदर ही हम छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं। मैं सुबह तो मैं नहीं बोलता, इस तरह का ना मेरा डायलॉग बड़ा फेमस है कि मैं नहीं आपसे बोल रहा, ये कोई चीज मुझे अगर नहीं बना के दे रही है कुछ भी, वैसे तो बना के नहीं देती है, मैं कैमरे की बात कर रहा हूँ। तो कौन खाना बनाता है फिर? नहीं बना देती हम खाना, बना खुद ही बताएंगे, खुद ही पागल भी बनाती है आपको पागल बस ये बनाते हैं मुझे, वो तो ऑटोमेटिकली ये मुझे बनाते हैं, ये गलत है सुनना ना, बाल उड़ रहे हैं ऑटोमेटिकली बंदा नहीं नहीं ये मुझे पागल बनाते हैं। सीरियसली कैसे पागल बनाते हैं? मतलब जब को भी इनको मेरे से कोई काम और वीडियो बनानी हो ना, तब हमारी ना ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ अब तो क्यामत भी आ जाए आपके साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी, निकले। अच्छा, अब नहीं बनानी मैंने, इतना गुस्सा। फिर ये मुझे मनाते हैं, अच्छा सॉरी ये वो, और फिर मुझे कहेंगे अच्छा आपने आज क्या खाना, मैं ले आऊं आपके लिए वीडियो बना के, मैं कहता हूं चलो पीछे मैं एडिट करने अब तो बेटा भी है ना माशाल्लाह जी, उसका भी थोड़ा देखना पड़ता है, तो काफी ज्यादा इसलिए भी हमारा लेट होने की ये भी एक वजह है। देखिए ये होती है रियलिटी कि आप लोग एक जो क्यूट सी वीडियो देख रहे थे उसको देख के बड़ा इंस्पायर हो रहे होते हैं, बीवियां अपने शोहरों से लड़ी थी, तुम भी ऐसा शोहर बनो, देखे वो लोग वीडियो बनाने में कहते जा परा हूं। नहीं नहीं सीरियसली ऐसा था कि रात को हम एक वीडियो बना रहे थे, तो मैंने कहा था कि मैं अब लेट गई थी उसको बेबी को लेके, मैंने कहा सब ना लाइट बंद कर दे, कहते मैं एडिट कर रहा हूँ सॉरी खुद कर लो। वीडियो से पहले मैंने कहा था सुमनान मेरा ये खाने को दिल कर रहा है मुझे ला दें प्लीज ला दें, नहीं नहीं मैं भी ला के देता हूँ, और कोई काम है तो बताओ, और कुछ करवाना है आपने, वीडियो बना लें फिर अब। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और फिर इन्होंने वीडियो मेरे साथ बना भी ली ना, तो उसके बाद कहते मैंने लाइट भी नहीं बंद करनी खुद करो, मैं क्यों करूं? यही है ना कि आजकल हमारी यंग जनरेशन है इंटरनेट पे कपल की रील्स देख के बड़े इम्प्रेस हो रहे होते हैं कि यार ऐसी लाइफ होनी चाहिए, आपको नहीं पता कि उसकी बैक स्टोरी क्या है, कितनी लड़के किस तरह से वीडियो बने, लेकिन हम सिर्फ इम्प्रेस हो जाते हैं। अच्छा ये तो आप लोग कंटेंट क्रिएटर्स तो हैं, इसके अलावा क्या काम करते हैं? मेरी आइसक्रीम की शॉप है, काफी फेमस है, तुर्किश आइसक्रीम इस्तांबुल दन दुर्मा के नाम से, तो 11 ब्रांचेस हैं, फेसबुक टिकटॉक इंस्टाग्राम पे भी हमारे ना मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं। अच्छा। मेरे उसमें तो आप विजिट कर सकते हैं कभी, कस्टमर्स हमें कोई डिस्काउंट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे व्यूअर्स के लिए भी कोई डिस्काउंट कोड देते हैं, व्यूअर्स अगर हमें देख के आते हैं ना तो उनको 20% ऑफ दिया। सुन ले अगर आप ये एपिसोड देखकर इनके पास आइसक्रीम खाने जाएंगे तो आप लोग 20% का नाम ले लेंगे, क्लिक एंटरटेनमेंट का नाम लेंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा जी। अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा क्या मसरूफियत होती हैं आपकी, बच्चे के अलावा, कंटेंट क्रिएशन के अलावा? इसके अलावा मैं मोस्टली जो है ना आइसक्रीम का कंटेंट बनाता हूँ। अच्छा। कस्टमर्स डिफरेंट आते हैं, डिफरेंट सेलिब्रिटीज आती हैं हमारे पास,
तो उनकी मैं वीडियोस वगैरह बना के अपलोड करता रहता हूँ यूट्यूब पे, मतलब यही सोशल मीडिया पर ही। हाँ, उधर से भी कुछ पैसे आ जाते हैं, कुछ आइसक्रीम से आ जाते, कुछ तो नहीं अच्छे खासे आते होंगे। वेरी अल्लाह का शुक्र। अच्छा माशाल्लाह, ये भाभी के मास्क का क्या सीन है? मास्क का आपकी चॉइस है या फैमिली की चॉइस है? फैमिली की चॉइस है। अच्छा, तो आपने स्टैंड नहीं लिया इस चीज के लिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ चलें कुछ तो उनकी भी बात मान ली जाए। अच्छा, ये बताएं कि बॉन्डिंग आसानी से हो गई थी जब शादी हुई, उस पर फौरन हो गई थी या टाइम लगा था आपस में? या बताओ। नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा था। हुआ ये था कि इस्लामाबाद होते थे। अच्छा, शादी से पहले इन्होंने आइसक्रीम का जो ये सारा काम है शादी के बाद स्टार्ट किया था। अच्छा, ये देखें जी, इनके नसीब से इनको सब कुछ मिला है। इससे पहले मेरे काफी बिजनेस थे इस्लामाबाद में, शॉप्स थी। हाँ। कोरोना में बंद हो गई थी, लेकिन ये है कि जब से ये आई है तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि आपकी जिंदगी में रहमत आई है, तो फिर रहमतें तो आनी थी। हाँ, हाँ, जी, ऐसा ही। अच्छा, आपने मार खानी है वापस जाके। अच्छा, आप बता रही थी ये था कि स्टार्टिंग में थोड़ा से मसले हुए थे कि ये इस्लामाबाद होते थे, फिर ये था कि उधर जाकर रहना, और फिर पीछे से भी घर में, क्योंकि जो लाहौर में रहता है ना उसको इस्लामाबाद जाने का बड़ा मसला होता है। हाँ, वो वहाँ पे एकदम जल्दी से नहीं रह सकता। हाँ जी, हमारी बेटी की ना डेथ हो गई थी। पहली बेटी जो पहली बेटी हुई थी उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि मतलब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, तो फिर ये आ गए उधर से, सिस्टम सारा क्लोज करके सेल करके। एक चीज मैंने देखी है सुमनान के, जब नई नई शादी होती है ना, तो तब मुझे लगता है, आई पर्सनली फील, कि कपल को पहले का टाइम इकट्ठे स्पेंड करना चाहिए ताकि वो एक बॉन्डिंग हो सके। खासतौर पर आपकी अरेंज मैरिज हो, आप लोगों की बॉन्डिंग हो सके, एक दूसरे को जान सके। हमारे ये होता है कि शादी होते ही हस्बैंड नौकरी पे और बीवी घर, इसका क्या नुकसान होता है? आप लोगों की बॉन्डिंग ही नहीं हो सकती। हाँ जी, मजबूरियाँ कुछ होती है ना घर में ऐसी, अगर ऐसे ही रहना स्टार्ट कर दें फिर घर वाले नाराज हो जाते हैं। क्यों? लेकिन एक मिनट, घर वाले क्यों नाराज होते हैं? बस वो मेरे पापा कहते थे चल कम दे ये वो। अच्छा, काम कर रहना। ये करो वो करो, ऐसे ही है ना, अब क्या करें। अच्छा, बॉन्डिंग हो गई इनकी फैमिली के साथ? नहीं, इनकी फैमिली के साथ हो गई। अच्छा, और आपकी इनकी फैमिली के साथ? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बहुत चुप रहते हैं, बहुत चुप रहते हैं, मेरी फैमिली में तो बोलते ही नहीं है ऐसे, जैसे बिल्कुल ऐसे जैसे वो एक दमाद वाला नखरा तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं, नखरा नहीं, लेकिन अपनी एक रिस्पेक्ट होती है ना। वही ना, दमाद वाली बात नहीं, ऐसा है कि ये बैठे भी होंगे ना सब में तो ये चुप ही रहेंगे, जैसे ये वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। अच्छा, हाँ। और आपके साथ क्या करते? मेरे साथ तो इतनी बातें करते हैं, तौबा। लड़ते भी हैं? नहीं, ये नहीं लड़ते। नहीं, वो एक बंदा हैवी होता है ना, समझ जाए। अच्छा, नहीं, ये नहीं लड़ते, ये बहुत मतलब लड़ने वाली इनकी तबीयत नहीं है, इनको जल्दी गुस्सा आता ही नहीं। सपोर्ट करते हैं आपको? नहीं नहीं, क्यों? सपोर्ट किस सेंस में? किस सेंस में मतलब ओवरऑल, किसी भी, कोई आपने फैसला लेना हो किसी भी तरह का, कोई भी आपका फैसला, उसमें आपको सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं बहुत करती हूँ, मैं इनको हर मामले में सपोर्ट ही नहीं करते हैं। मैं इनको हर मामले में सपोर्ट करती हूँ। औरतें तो करती हैं, इवन से, चाहे वो आपकी बहन हो, माँ हो, बीवी हो, सपोर्ट करती है। आप क्यों नहीं करते हैं? मैं क्या करूं, मैं पैसे दे सकता हूं, वो शॉपिंग वगैरह कर लेती है। ये देख ले, घर के कामों में हेल्प करते हैं आप? 1% मैं तो इसको आइडियाज दे रहा हूं, बिजनेस आइडियाज। इसको मैंने वो सिखाया, यार बताओ अपना मेकअप, वो नहीं, उसमें भी इन्हीं का फायदा है। हाँ, जिसमें आपके फायदे वो नहीं करते ये। एक्चुअली पहले शादी से पहले ना मैं कंटेंट राइटर थी। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, अपनी वेबसाइट्स पर मेरे कंटेंट वगैरह होते थे, लेकिन ये था कि इनसे शादी के बाद वो मेरा सारा काम मैंने खत्म कर दिया। ये कहती मतलब है मेरे पैसे आपके पास चले गए। इल्जाम लगा रही है इनके ऊपर। नहीं नहीं, सीरियसली, वो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना एक बंदे पे, तो वो फिर घर भी देखना होता है, आपको इतना टाइम नहीं मिल सकता। अच्छा, ये बात है। अब मुझे ये बताएं, शादी के पहले वाली लाइफ अच्छी थी या शादी के बाद? डरना नहीं है, सच वही सीन है, जिसने शादी का लड्डू खा लिया वो भी पछताया, जिसने नहीं वो भी पछताया। लेकिन ये है कि चलो बच्चा आ गया, एक फैमिली बन गई, अच्छी बात है। आप शादी के पहले वाली? पहले सुमनान ऐसा क्या करते हैं आप? निकलो, मैं अगली कर लेता हूं, दूसरी कर लेंगे वो। शादी के पहले वाली ये कि अब जिम्मेदारी है। हाँ, क्योंकि ये तो 1% भी जिम्मेदार इंसान नहीं है। क्या हो रहा है आपके साथ? नहीं, मैं ना वो इतना सीरियस नहीं था, लेकिन अब हो गया बेटे के बाद। हाँ जी, और इनका जो दिल करता ना ये अभी भी वही करते हैं। इवन के फ्रेंड्स में जाना है, कहीं भी मूवी देखने फ्रेंड्स के साथ जाना है, और मुझे बताए बगैर। गुस्सा नहीं आता? नहीं, एक दफा तो, ये थोड़े दिन पहले की बात है, इनका मैच का प्रोग्राम बना इनकी बर्थडे वाले दिन। अच्छा। हमने कहीं का प्लान था हमारा, आपने प्लान किया होगा? प्लान किया हुआ था, इवन के मैंने ना बुकिंग भी करवाई थी वहाँ पे ना, एक रेस्टोरेंट में हमने
जाना था, बर्थडे थी, तो ये ना पूरा दिन मतलब सुबह 11 बजे से लेकर और रात 7-8 बजे तक ना हमने फ्रेंड्स के साथ चले गए। मुझे बताए बगैर फोन नहीं किया आपने? मैंने फोन किया, फोन नहीं उठा रहे थे। इतना आया तो मैंने कहा मैंने तब घर नहीं आना, मैं मामा की तरफ जा रही हूँ, फिर घर की चीज भी नहीं आपको देनी, इन्हीं कपड़ों में रहे आप। फिर कैसे मनाया? फिर ये के मनाता क्या, जब ऐसा कोई सीन होता है ना मैं घर के बाहर जाके बैठ जाता हूँ, मतलब कमरे के आगे वो खटखटाता हूँ, मुझे पता होता है इसने निकलना 15 मिनट बाद, जान पूछे, फिर मैं आराम से अपनी रील्स देखता रहता हूँ। जब टाइम पूरा हो जाता है इसको बताना नहीं चाहिए था, खुद आगे दरवाजा खोल देती है। नहीं, मैं कहती हूँ जरा सर्दी में थोड़ी देर बैठे रहना। तो फिर उस दिन कैसे गुस्सा किया था आपने? उस दिन तो मैंने कहा था कि मैंने इनको ब्लॉक कर दिया था थोड़ी देर के। अच्छा, ये लड़कियां ब्लॉक करती हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए करती है, अपने फैसले पे पक्की क्यों नहीं रहती हैं फिर? ये कि अब क्या करूं, जिंदगी तो गुजारनी है, तो ये भी वजह है। और ये जो लड़ाइयां बड़ी मतलब टेंपरेरी सी होती हैं, रहना तो साथ ही होता है इंसान जी, ऐसा ही है। फिर ये मेरी मामा के नंबर पर कॉल्स करने लग जाते हैं, भाई के नंबर पर कॉल करने लग जाते हैं, फिर क्या करूँ, माफ करना पड़ता है, मजबूरन, मजबूरी। हाँ जी, और इनकी ना एक ये आदत है कि ये माफी नहीं मांगते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, जबरदस्ती करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ये करो, क्या मसला है, आप मेरी बीवी हो, ये करो, ऐसे मतलब लड़ेंगे भी खुद, रोब भी जमाएंगे, रोब डालने लग जाते हैं। और मुझे कहते हैं अच्छा ना, ये मतलब माफी नहीं मांगेंगे, सॉरी नहीं, ये नहीं कहेंगे कि अच्छा सॉरी मेरी गलती हो गई, कुछ भी नहीं। मार्केटिंग टैक्टिक्स है ना ये, मार्केटिंग। वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना, हाँ ये तो वही हिसाब करते हैं, बीबी भी मान जाए और सॉरी भी ना बोलना पड़े। हाँ जी, ऐसा ही क्या वजह है समनान, क्या होता है सॉरी बोलने से, एक मतलब सॉरी क्या मसला है? देखिए, अगर आज मैं सॉरी कहता हूँ ना एक दफा, तो अगली लड़ाई पे दो दफा कहना पड़ेगा, उससे अगली पे तीन दफा, तो मैं उस सॉरी का भरम रखा हुआ, क्योंकि अभी लाइफ काफी पड़ी हुई है, ये सीन है। ये फिर आपको बुढ़ापे में कहा, आप कहती है सॉरी? नहीं, गलती हो मेरी, नहीं मेरी अगर गलती हो तो मैं कहती हूँ कि हाँ आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है, मुझे यहाँ पर ये नहीं कहना चाहिए था, आई एम सॉरी। लेकिन वो मेरी गलती बहुत कम होती, इनकी तो बेशुमार होती है, बहुत ज्यादा डर लगता है इनसे, सारों को लगता है, हर मर्द को लगता है। नहीं, इनको तो नहीं लगता, ये बैठे हैं। नहीं नहीं, आप इनकी अंदर की बात कभी पूछें, सारों को लगता है। कितना डरते हैं आप, ऐसा इतना डर जो लगता है तो आप सॉरी क्यों नहीं बोलते? सॉरी मैंने आपको बताया ना भरम रखने के लिए, तो अगर तब डर नहीं लगता, सॉरी नहीं बोल रहा मारेगी मुझे? नहीं नहीं, मैं तरीके से कहता हूँ, अच्छा ठीक है, इसको मैं ब्लैकमेल करता हूँ, ठीक है मैं सर्दी में बैठा हूँ, ये है वो, इमोशनली ब्लैकमेल, और ये तो बच्चे वाली बातें, पिक्चर्स भेज रहे होते हैं ना बाहर से, व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, ये देखो सर्दी लग रही है मुझे, मैं क्या, मैं बीमार हो जाऊंगा, कर लेने, सॉरी नहीं करनी, नहीं खुद को टॉर्चर कर लेने, लेकिन सॉरी नहीं, सॉरी नहीं। चले यार, लेकिन खुश है इनके साथ? नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत हम्बल है, मतलब मैं जब बहुत ज्यादा इन पे गुस्सा कर रही होती हूँ ना, बोलते नहीं है। देखिए, अब हर इंसान हर तरह से परफेक्ट नहीं होता, कहीं से परफेक्ट होता है, कोई उसमें खामियां होती हैं। आप खुश हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड में ये चीज मैटर करती है, लड़ाइयों के बाद भी आप सॉर्ट आउट कर लें, खुश रहें। अच्छा जी, आपसे बातें तो हमने बहुत करी, लेकिन इनके साथ हम गेम्स भी खेलेंगे, फिर जो भी हमारे शो में आता है गेम्स खेले बगैर हमको नहीं जाने देते, तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी पहली गेम की तरफ। ये है हमारा कंपैटिबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपने इनका जवाब देना है और आपने समनान का जवाब देना है, ठीक हो गया? अच्छा, जब पहली मुलाकात कब हुई थी आप लोगों की, निकाह वाले दिन? हाँ जी, निकाह के बाद, निकाह के बाद हुई थी पहली मुलाकात? हाँ जी, नहीं मुलाकात नहीं हुई थी, पहली मुलाकात निकाह के बाद, देखा था निकाह के बाद, देखा, वो मुलाकात ही होती है। अच्छा, देखा तो था ना, चाहे मिले नहीं, बात नहीं, देखा तो था, देखा था। तब समनान ने कौन सा ड्रेस पहना हुआ था, ईस्टर्न था, वेस्टर्न था, क्या था? नहीं, सलवार कुर्ता पहना हुआ था ना, ऊपर कोट पहना हुआ था ब्राउन से कलर का, ऐसे ही है, ऐसे ही। इन्होंने क्या पहना हुआ था? इन्होंने ना फ्रॉक पहना हुआ था। नहीं, सवाल जवाब तो पूरा करने थे। इन्होंने यार फ्रॉक नहीं पहना हुआ था, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होता था, नीचे तक जा रहा था, और बाकी चले हो गया जवाब, बताएं जी। नहीं, मैंने तो ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ था, मैंने मतलब वो जो निकाह पे ट्रेडिशनल है, जो गरारा पहनते हैं व्हाइट से कलर का, वो पहना हुआ था, और मैंने रेड नहीं पिंक लगाई थी। ये देख लें, आपको अपने निकाह वाली बातें नहीं याद? नहीं, इनको तो रात की बात भी नहीं याद होगी। रात को इन्होंने खाना क्या खाया, ये भी सोच के बताएंगे कि क्या। लेकिन आपने चार दिन पहले क्या गलती की थी वो याद होगी। हाँ जी, ये याद होगी, इसको सारा कुछ याद होता।
अच्छा जी ये बताएं कि एक दूसरे की फेवरेट डिश बताएं मुझे। समनान की पहले आप बताएं और फिर आप राबिया की बताएं। इनको देसी फूड बहुत पसंद है। कोई एक स्पेसिफिक डिश? इनको मटन कढ़ाई बहुत पसंद है। ऐसा ही है, बना के देती हैं आप इन्हें काफ़ी? हाँ। कुछ आप बताएं इनको क्या पसंद है खाने? इसको ज़्यादा ना बारबेक्यू पसंद है। ऐसे ही है। चल एक पॉइंट तो हो गया। एक चीज़ जो राबिया हमेशा बैग में रखती है, मतलब ये चीज़ रखना वो भूलती नहीं है, चाहे आसमान जैसे उधर हो जाए, राबिया ने चीज़ बैग में रखनी ही रखनी है। इसने थोड़ा सा ना एक छोटा मिरर नहीं जो होता, हाँ। वो रखा होता है ऑल द टाइम। क्यों, कोई खास वजह? नहीं, वो ना मेरी ना आँख में ना यहाँ अक्सर ना काजल अंदर चला जाता है, तो वो मुझे देखना होता है, वो इरिटेट रेड हो जाती है यहाँ से, वो इरिटेट होता रहता है। तो इनका बताइए अपने वॉलेट में एक ऐसी चीज़ जो कभी रखना नहीं भूलते। अपनी मम्मा की पिक्चर, तो बड़ी अच्छी बात है, वो हमेशा होती है ऑल टाइम। चलो माशाल्लाह। एक चीज़ जो समनान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इनके अलावा बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी। इनको ये नहीं पसंद है कि मैं बहुत ज़्यादा फैशन करूँ। अच्छा? हाँ, बहुत मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं सर पर दुपट्टा ना लूँ मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर मैं कहती वीडियोस भी नहीं बनाती, उसमें क्यों लेकर आते हैं मुझे, ना वो भी नहीं मैं बनाती हूँ। अच्छा, इनके पास एक ही धमके, मैंने वीडियो नहीं बनानी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उनको पता है इनकी कमज़ोरी है, इसने वीडियो नहीं बनानी। क्या वजह, मतलब क्यों आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती इनका फैशन करना? मैं कह रहा हूँ लिमिट में रहे ना, मैंने ऊपर जाके जवाब अभी मैं बताती हूँ। ये ना कभी भी इन्होंने मेरी तारीफ नहीं की, कुछ भी ये हो तो जाए, बहुत ज्यादती है। कुछ भी पता है औरतों का मसला होता है, वो खाना बनाए, वो तैयार हो, अगर कोई उनके मतलब हस्बैंड हो गया, भाई हो गया, बाबा हो गया, तारीफ ना करें तो सारा मोरल डाउन हो जाता है। अब ना आते हुए ना एक ना वो आई थी पैसे मांगने के लिए लड़की ना, हाँ। तो उसने मुझे ना आके कहा बाजी आप बहुत प्यारी लग रही हैं, मैंने उसको पैसे दिए, कहते हाँ बस सुन के पागल हो जाना, ये सुन के मतलब ये बातें बहुत करते हैं। क्यों नहीं तारीफ करते भाई? वो मैंने आपको बताया ना, अगर तारीफ भी ज्यादा कर दो ना तो अपनी वैल्यू डाउन। ये कैसी बात है वैल्यू डाउन, पार्टनर्स भी ये कैसी चीज है। अच्छा चलें हमारे शो में इनकी तारीफ करते हैं। नहीं ये झूठी होगी ना। नहीं चलें झूठी सही कर दो। नहीं ये झूठी सही, मगर तारीफ ही कर दो। नहीं बहुत प्यारी है और मेरा ख्याल बहुत रखती है, हर टाइम हर चीज मुझे ना टाइम पे दे देती है, मतलब खाना वगैरह और कपड़े वगैरह हर चीज़ रेडी होती है। इनके जो मतलब कपड़े वगैरह परचेज करने होते हैं, शॉपिंग इनकी मैं ही करती हूँ। इतनी तो क्यूट सी वाइफ है आपकी, फिर भी तारीफ नहीं करते? तारीफ में फिर अपनी वैल्यू थोड़ी डाउन हो जाती है ना। ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा मुझे इनका। अच्छा ये है कि इनकी ना मतलब सॉक्स न्यू नहीं थी लाए हुए, ना न्यू नहीं लाए हुए थे, तो इन्होंने ना कहा कि वो यार मैं सॉक्स नहीं लेकर आया, तो मैं नेक्स्ट डे ही ना जाकर इनकी सॉक्स काफ़ी ज़्यादा ले आई हूँ। तो इनको मैंने कहा ये आपकी सॉक्स में ना मैं ले आई हूँ, तो इन्होंने एक दफ़ा इस चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं किया। अच्छा ठीक है रख दो वहाँ, मतलब इस तरह करते हैं ये। पता है छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और इनको ना बर्थडे पे ना मैंने हमेशा हमेशा कुछ भी हो जाए ना मैं इनको ऐसे सरप्राइज गिफ्ट देती हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनकी शॉपिंग करती हूँ। आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी कुछ भी नहीं। इतने दुख हैं उनके, कोई दुख तो खत्म करते हैं। इस दफा ना इस बर्थडे पे मैं इसको ले गया था, इसकी बर्थडे पे ऑलरेडी जिस रेस्टोरेंट में सेटअप लगा होता है ना, इसे मैंने कहा कि ये देखो आपके लिए स्पेशल लगवाया मैंने। ये बड़ी खुश हुई, ये बड़ा खुश थी। नहीं मुझे कहते मैं इतना महंगा आपके लिए सेटअप करवाया यार, इस पे मेरा 70-80 हज़ार तो इसी पे ही लग गया। मैंने कहा समनान आपने इतनी महंगा क्यों करवा दी, उसका मुझे गिफ्ट दे देते आप। तो रियलिटी का पता चली, रियलिटी तब पता चली कि जब ये कह रहे थे हाँ कितना बिल हुआ। गुस्सा नहीं होया? नहीं मैंने कब घर जाके उतारूंगी, वो छोटा बेबी साथ था ना तो फिर वो कुछ क्या आपकी बचत वो करवा लेते हैं। हाँ ऐसे ही। और एक ऐसी चीज जो राबिया को बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसको यही है कि ये चाहती है कि मेरी मेरे से ज्यादा बातें करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, वो मेरे पास होता नहीं, मैं फिर काम भी देखना होता है। हाँ और मेरी तारीफें करी जो बात, नहीं मैं कोई गलत बात तो नहीं है। मेरी बात सुने, ये मेरे साथ बिल्कुल भी बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल मतलब ऐसे जैसे मैं रिपोर्ट के साथ एक जिंदगी गुजार रही हूं। आप इन लॉज करती हैं सेपरेट रहती हैं? अभी रिसेंटली हम लोग सेपरेट, एक बंदी सेपरेट है घर में अकेली, आपसे बातें नहीं करेगी तो किससे करेगी? करता हूं लेकिन ये कहती नहीं करते, ये झूठ है नहीं करते हैं। अच्छा हां नहीं करते, क्या वजह है? प्यारी सी बीवी है, ये बस आपको वीडियोस के लिए यूज करते हैं? हाँ हर काम के लिए। इसके अलावा मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना वो सारे, फिर मैं उसको एडिटिंग वो खुद सारी सारी रात इन ये मोबाइल के साथ ही रहते हैं, तो मैं अक्सर ये कहती हूँ अल्लाह करके आपका मोबाइल गुम हो जाए, आपका कोई मोबाइल चोरी कर ले, गन पॉइंट पे छीन ले, तो मैं इनको कहती हूँ।
हाँ मैं कहती हूँ क्या करूँ फिर नहीं बाज आते नहीं। मैं ऐसे कहता हूँ पैसे आते हैं उधर से, वेट किया करो, इस तरह करने दिया करो, फिर कहती है चले ठीक है आप हफ्ते में एक दिन रख लेना उनके लिए, एक दिन नहीं, ये तो एक दिन भी छुट्टी नहीं करते हैं। एक दिन जो है वो आपने सिर्फ राबिया के लिए और बेटे के लिए रखा, ठीक है उस दिन के मोबाइल छीन लेने आपने, ठीक है। नहीं उस दिन भी कहेंगे आज वीडियो तो अपलोड कर, नहीं नहीं एक एक दिन देखे, हर कोई एक दिन की ब्रेक डिजर्व करता है, मैं भी एक दिन की ब्रेक लेती हूँ, हर कोई लेता था, आप लोग भी डिजर्व करते हैं, ये अब ऐसे ही कह रहे हैं, मान रहे हैं, ये कह रहे हैं। अच्छा इनका फेवरेट सॉन्ग बताएं। इनका इन्होंने निकाह पे लगवाया था वो गाना, थोड़ा सा मुश्किल है, कोई नहीं बता दें, गाए मत। एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पर कुर्बान है, ऐसे ही बाकी कुर्बान है, नहीं वो तो बस सॉन्ग था ना। अच्छा मैंने इसे निकाह पे एक गाना भी सुनाया था, सॉरी वलीमे पे, वो हमें गा के सुनाए ना। ओ तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, कहना चाहूंगी तो तुमसे क्या कहूं, किसी जबान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं, मैं अगर कहूं तुम सा हसीं कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। ये मैंने इनको माइक पर सुनाया बहुत था। बहुत प्यारी आवाज है, तो आपका हिडन टैलेंट सामने आया है, आप इसकी भी वीडियो बनाया करें। बस छोड़ दिया, अक्सर मुझे सॉन्ग सुनाते थे, बहुत प्यारी आवाज है, मुझे सुनाते होते थे ये, लेकिन अब काफी टाइम से नहीं। तो ये आपके लिए सरप्राइज था? हाँ जी ये सरप्राइज था, नहीं मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था, रही तो ये 10 दिनों के अंदर हमारा निकाह होगा, तो मतलब वलीमे पे सरप्राइज दिया था आपने। हाँ जी। तो फिर रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था, होने नाल बुड्ढी दे तले लग गए? मैं क्या कहूँ, मैंने कहा आज तो मेरा दिन ना बनता है। नहीं देखिए बहुत अच्छे सरप्राइज थे, आपकी आवाज बाकी बहुत अच्छी है, आपसे एंड में एक और गाना भी सुनेंगे, ऐसे नहीं जाने देना आपको। हमने फेवरेट नहीं आपका रहता है ना, आप इनका फेवरेट सॉन्ग बताएं। इनके सभी हैं, एक कोई एक नहीं है, सभी हैं, लेकिन फिर भी कोई एक जो सबसे ज्यादा सुनते हो, है कोई ऐसा सम्मान आपने, मैं बताना नहीं बस बताएं है या नहीं है, है। चले जी बताएं कौन सा है। ये जान छुड़वाई थी अपनी कह के कि सारी पसंद है, सारी पंजाबी है, पंजाबी। हाँ, आप बता दें। अच्छा, वो एक न्यू सॉन्ग आया पंजाबी सॉन्ग, वो ये काफी ज्यादा गाते होते हैं, पहले आप बताए ना फिर मैं उनसे कंफर्म करूंगी कि है या नहीं। वो वाला मुझे पता चल गया, ये अक्सर सुनते हैं, वो वाला सॉन्ग नहीं है मुझे भी बहुत पसंद है, फिर एक पॉइंट आप देखिए आप हार गए, कितनी मासूम है, आराम से अपनी गलती मान लेती। चलें जी ये पहला सेगमेंट तो हमारा हो गया, नहीं बल्कि एक सवाल रहता है, उसके बगैर मैंने आपको नहीं जाने देना। अगला सवाल ये है कि मुझे बताएं समनान गुस्सा कैसे करते हैं? करते ही नहीं है, गुस्सा नहीं करते हैं, बहुत हम्बल और पोलाइट हैं। किसी और पे भी गुस्सा आया तो कैसे रिएक्ट करते हैं? ऐसे ही करते हैं जैसे किसी से बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ नॉर्मली ऐसे ही। अच्छा ये बताएं राबिया कैसे गुस्सा करती है? निकल जो बाहर, ये वो घर से बाहर निकल जो, मुझे धक्के मार के ऐसे नहीं मैं कंडी लगा देती हूं। मैं ये कहती हूं, नहीं नहीं ये बात नहीं है, मैं ये कहती हूं कि ना मतलब मुझे जब गुस्सा आए ना वो बंदा मेरे सामने ना हो, फिर मुझे और गुस्सा आने लग जाता है कि क्यों खुश है ये, चुप क्यों बैठा। ऐसे गुस्सा मैं कहती हूं आप प्लीज यहां से चले जाएं, क्योंकि प्लीज तो नहीं कहते, अब कहते निकलो बाहर बस भाग दो, इस कमरे से जाएं। अच्छा जरा करके दिखाएं कैसे गुस्सा करते, समझे आप रापे और आप समनान। समनान बाहर निकल जाए, आप पीछे हो जाए, आप मेरी नजरों के सामने आपने नहीं आना, बाहर चले जाए, मैं आपको इस तरह धक्के मार मार के ना इसने बाहर निकाले कुंडी मार। और सब समनान कैसे रिएक्शन दे रहे होते हैं? अच्छा यार चला जाता हूँ, अच्छा चला जाता हूँ, ठीक है जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ, जूता तो दे दो मुझे। अच्छा जूता, अच्छा मेरा मोबाइल, तो मैंने कहा नहीं मोबाइल भी नहीं लेकर जाना, मोबाइल जाएंगे तो बाहर जाके वीडियो देखते रहेंगे आप ना गुस्सा। हाँ तो मैं कहती हूँ मोबाइल भी छोड़ कर जाए। नॉर्मली किस बात पे गुस्सा आता है इनकी? इन ये ना केयरलेस बहुत हैं,
और 1% भी जिम्मेदार नहीं है। इस वजह से लड़कियों को सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पर आता है जब पार्टनर वो केयरलेस हो। एक ये भी बात इनके अंदर बहुत ज्यादा है कि ये ना बातें बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, तो इस बात पे भी आता है कि मैं कहती हूँ कि कुछ तो याद रखा करें। अभी रिसेंट एनिवर्सरी भूलते हैं सब कुछ, मेरी बर्थडे भी भूल जाते हैं। अच्छा एनिवर्सरी कब, पहली एनिवर्सरी याद थी या नहीं? नहीं नहीं थी। पहली भी भूल गए? इसको याद था लेकिन मैं भूल जाता हूँ बड़ा। उससे उस दिन आप बलि का बकरा बने थे, उस दिन भी आप भूल गए। उसके बाद भी मैंने ना टाइमर सेट किया था कि अगले साल जब आएगा मुझे आइडिया हो जाए। अच्छा मैं भी बर्थडे भूल जाती हूँ, मेरा भी मसला है, मुझे नहीं याद। तो ये मेरी बर्थडे लास्ट टाइम है ना, ये पिछले महीने है ना दिसंबर। शुक्र है इसने ना कोई 5 दिन पहले कह दिया कि कोई चीज आ रही है आपको याद नहीं, मैं शुक्र अदा किया। इन्होंने फौरन मेरा इंस्टाग्राम खोला। वो भी मैंने इंस्टा, मुझे ना डेट्स कंफर्म नहीं थी, या 16 थी या 19, इन दोनों में कंफ्यूजन थी। फिर मैंने इसका इंस्टाग्राम खोल के देखा कि पिछले 4-5 साल में किधर ये सेलिब्रेट कर रही। अच्छा। वो 16 तारीख को वीडियोस पोस्ट थी, मैंने कहा 16 को। अच्छा रहा है, पहली बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे तो बड़ी एक्सपेक्टेशंस होंगे ना आपकी, जब इन्हें याद नहीं था तो क्या रिएक्शन हुआ था फिर आपका? फिर मेरा दिल टूट गया, मैंने कहा आप करते ही नहीं है, सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं, छोड़ो। कैसे याद करवाए थे इन्होंने बताया ना हमें? मैंने ये ऐसे कहा, मैंने कहा आज कुछ आपको याद है? याद है। इन्होंने कहा क्या है यार, काम करने दो, अजीब है तुम बार बार फोन करी जा रही हो, क्या मसला है ये वो। फिर गुस्से से एक मैसेज किया और इनको ब्लॉक कर दिया। सुला कैसे हुई? तो फिर मैं सोचता हूँ ना, दिमाग पर जोर डालता हूँ क्या होगा क्या होगा, मुझे पता चलता है। इनका है ना एक दोस्त है, उसने इनको बताया कि आज ये दिन यार। उसको मैंने रखा हुआ है, वो ये चीजें याद रखता है। कैसे बनाया फिर इनको? तो मैंने कहा अच्छा यार सॉरी, ये वो इस तरह कह दिया। सॉरी सॉरी कह दिया? नहीं मतलब कि सॉरी नहीं, बहुत बड़ी बात थी, राइट सी बात है, उसमें तो सॉरी का बनता था। ये चीज ना होती है शादी के 15-20 साल बाद, पहली एनिवर्सरी तो कोई भी नहीं भूलता है यार। चलो कोई नहीं यार। उसके बाद से भूलते हैं हमेशा हमेशा। अब तो आपको आदत हो गई होगी। मैं कहती हूँ अब छोड़ो, अब क्या लड़ना, अब तो आदत। असल में ना इनकी तरह सारी बर्थडे या छोटे छोटे इवेंट्स भी ना बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। अच्छा मेरी फैमिली में काफी ज्यादा था। लेकिन मेरी बात सुने, एनिवर्सरी तो विश करना चाहिए, छोटा सा तो इवेंट नहीं है। चलें ठीक है, करूंगा लाइक्सा। पहला सेगमेंट तो हमारा हो गया, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। ऐसे नहीं जाने देना मैंने इनको, इनके साथ बहुत ज्यादा गेम्स खेलनी है। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछने हैं, उसका ऑपोजिट आंसर देना। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि चाय कैसे बनी, अगर ये अच्छी बनी तो आपने कहना है बहुत बुरी बनी, और अगर ये बुरी बनी तो आपने कहना है बहुत अच्छी बनी। ठीक है, पहला सवाल मेरा आपसे है, ये कैसा खाना बनाती है? ये खाना बड़ा ही गंदा बनाती है, बहुत गंदा खाना बनाते हैं। बहुत ही बुरा होता है। बहुत ही गंदा कि मैं कहता हूँ दिल खराब हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद ये गुस्सा करती है? ये गुस्सा नहीं, ये तो बड़ी, मैं कहता हूँ इतनी हम्बल है, इतनी पोलाइट है, उफ भी नहीं करती। मैं कह दूँ ना आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठती रहेगी, आधा घंटा उधर ही बैठी रहेगी। और ना मुझे कभी इसने कहा है कि भाई कमरे से बाहर निकलो आप, ना कुंडी लगाइए, आराम से कुछ भी नहीं करती, बड़ी पोलाइट है। सम्मान गुस्सा करते हैं? बहुत ज्यादा करते हैं, इतना करते हैं मुझे गुस्से में गला दबा देते हैं। मारा तो नहीं है? मारता भी हूँ। अच्छा जी, ये प्यारी है? कोजी है। क्या मस्त है इनमें, बताए ना मैं जरा। ये चुई नहीं होती जैसे सुक्का से मुंह अजीबो गरीब। अच्छा जी आप बताएं, प्यारे हैं? मुझे लग रहा है ये हाँ कहना चाह रही है, उसको अपोजिट होगा ना। नहीं ये बिल्कुल भी नहीं प्यारे हैं, बहुत जा रहा हूं, बहुत बुरे हैं, इसका मतलब कि प्यारे हैं अल्लाह की तरफ से। अच्छा जी, तमनान केयरिंग है? इतने केयरिंग, इतने इतने इतने, मैं तो परेशान हो जाती हूँ, इतने केयरिंग कोई कैसे हो सकता है? क्या हो रहा है आपके साथ, आप बताए। राबिया केयरिंग है? ये केयरिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसको पता ही नहीं होता खाना कब देना है, कपड़े कब देने हैं, इसे कोई परवाह नहीं बंदे की। अच्छा ये लड़ाके हैं? बहुत ज्यादा, बहुत लड़ते हैं मुझसे, बहुत लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं कि हमारी तो अभी आते हुए भी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है, मार कितनी है एक दूसरे को। अच्छा आप बताए, राबिया लड़ाकी है? नहीं नहीं
कुछ भी आज तक इसने मेरे ऊपर हाथ भी नहीं उठाया। मासूम सी है। हाँ हाँ। मतलब हाथ भी नहीं उठाया, मतलब उठाया हुआ है। एक दफा मैं परस लेके आया था इसके लिए। हाँ, इसको ना पसंद नहीं आया तो मैं नीचे खड़ा हुआ था, इसने आराम से प्यार से मुझे मारा था, साइड पे गिर गया था। नहीं, वो स्टोरी ऐसी हुई थी कि ना ये अपनी पसंद से नहीं लाया था, ये अपने दोस्त की पसंद से लेकर आया था। ठीक है, तो मैंने कहा आप उसकी पसंद से क्यों लाए हैं, आप चाहे मुझे ना देते लेकिन आप अपनी चॉइस से कोई चीज लेकर आए। वो ना कहीं नीचे खड़ा हुआ था, हम दोनों उसके सर बचा इतना था। आपने क्या किया था? ऊपर से फेंका। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, ले जाएं ये। फिर मैंने ऊपर से टायर फेंक दिया नीचे, फेंक दोस्त के सामने उसके ऊपर ही। मैंने कहा ये उसकी शादी होगी ना, उसकी बीवी को दूंगी। दोस्त कहता होगा मेरा क्या कसूर है। वो इसने यकीन करें वो वॉलेट अभी भी संभाल के रखा है, उसकी शादी होगी ना उसकी बीवी को देंगे। इतना बुरा था। नहीं, वो मुझे उस टाइप की चीजें पसंद। आपको पता है लड़कियों को उस चीज पे बड़ा गुस्सा, वो कहती है बुरी चीज पे देनी है ना, लेकिन हस्बैंड अपनी पसंद की दे। अच्छी से अच्छी भी चीज हो किसी और की पसंद की होगी तो फिर दिल ही नहीं करता उसको। हाँ जी, ऐसा ही है। आईना फिर आपने तौबा की? हाँ हाँ। ऐसी तौबा की? पूछ के इससे रहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी तौबा की है, मुझे कभी कुछ देते ही नहीं है, ऐसी तौबा कर ली। ऐसी मतलब बर्थडे में भी नहीं गिफ्ट देंगे। एक और शिकवा सामने आ गया। हाँ नहीं, ऐसी तौबा कर ली। अच्छा ये बताएं, राबिया लेजी है? नहीं नहीं, लेजी नहीं। अच्छा, तो ऑपोजिट ही दे। नहीं नहीं, लेजी है लेजी, सॉरी। अच्छा, मैं भूल गया था, ऑपोजिट लेजी है। ये जो उन्होंने निगाहें दिखाई है ना, ये कैमरे में आप देख सकते हैं ऐसे करके, आपका एकदम आपने यू टर्न लिया। आपको वैसे थोड़ा आइडिया होगा निगाहें देख के, एकदम ऐसे देखे सुमरान ऐसे हो जाते हैं। जैसे वो बचपन में अम्मियाँ नहीं देखती थी ऐसे करके, हम कहते नहीं ये काम नहीं करना। मुझे लगता है आपको भी यही निगाहें डराती हैं। सही है। अच्छा ये बताएं कि क्या ये लेजी हैं? बिल्कुल भी नहीं लेजी हैं, ये 1% भी नहीं लेती हैं। ये तो इतने पंचुअल हैं कि सुबह सुबह वॉक पे भी जाते हैं। मैं इनको अक्सर कहती हूँ कि आपने वेट गेन काफी कर लिया तो वॉक पे जाया करें। हाँ। बल्कि खुद मुझे उठा रहे होते हैं कि वॉक पे, इवन कि इन्होंने जब जाना होता है अपने काम पे जाना होता है तब भी मैं कहती हूँ कि समान चले जाए, फौरन उठ के कहेंगे ओके, ये खड़े हो जाते हैं बिल्कुल। यार इतने लेजी हैं आप। नहीं, वो क्या आप दूसरी शादी करेंगे? हाँ करूँ, सोच लें। हाँ, करें। क्या आप इनको दूसरी शादी करने देंगी? बिल्कुल करने देंगी। ये रिकॉर्ड कर लें, अगर ये दूसरी शादी कर सकते हैं अब। इसको हम सीधा ही ले लेते हैं, इसको हम ऑपोजिट नहीं करते। देखिए खुशियाँ चेक करें। नहीं, मैं तो इनको भी कहती हूँ ये बात, तो मैंने इनको भी कही है। मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर आपको नहीं आता ना, हम मैं और हमारा बेबी सेपरेट हो जाते हैं, आप दूसरी शादी कर लें। लेकिन मैंने कहा एक है कि आपको गिफ्ट में ना एक वो एक बॉम्ब मिलेगा। मैंने कहा उधर आप भी मर जाना, आपकी वो दूसरी बीवी मर जाए। इतनी बड़ी धमकी। हाँ, तो ये अक्सर मुझे ये कहते हैं ना यार, इस्लाम में तो चार चार जायज हैं, तो बस मर्दों को इस्लाम यहीं पे आके याद आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बेबी संभालने में हेल्प करते हैं? नहीं, बल्कि एक परसों की बात है कि इन्होंने 1 घंटे के लिए संभाल लिया था, वो भी मैं इनके कपड़े आयरन कर रही थी सारे ना, पूरे ऑपोजिट जवाब देना आपने। हाँ जी, तो ऑपोजिट जवाब। हाँ, केयर करते हैं ये बेबी को, संभालते हैं बहुत ज़्यादा, संभालते हैं, इतना संभालते हैं कि मुझे तो पकड़ने का मौका ही नहीं मिलता। कि नहीं संभालते आप बेबी को? मैं संभालता हूँ बेबी को। कितने? 24 घंटे में? आधे घंटे? नहीं, जब चुप होता है ना बच्चा तब मैं इसको संभालता हूँ, जब रोने लग जाता है ना फिर इसको दे देता। क्यों भाई, आपका बच्चा नहीं है? ठीक है, वो पैंपर वगैरह भी उसमें चेंज करना होता है ना। अच्छा, वो आपकी ड्यूटी है सारा कुछ? मैं भी सवाल पे आने लगी थी कि क्या सिर्फ आप अकेली पैंपर चेंज करते हैं, ये भी साथ करते हैं? नहीं, मैं उसकी टांग पकड़ के रखता हूँ, टांग ये मुझे पकड़ा देती है और पैंपर चेंज करता है। वो हर घर में एक बच्चा होता है जो मेहमान में कोई काम नहीं करता, बस वो उधर से कहता है तुम ये कर लो तुम वो कर लो, वो कहता है मेरी यही हेल्प है, तो आप सिर्फ टांग पकड़ लेते हैं। नहीं, कभी कभी तो वो भी नहीं पकड़ते, फोन में इतना बिजी होते हैं, कहते यार होती कर लो। इनको आपके फोन से बहुत मसला है, बहुत मसला है, रोजी रोटी फोन पे ना, इसको नहीं पता। अच्छा, क्या समान वॉशरूम में टाइम लगाते हैं? 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, फोन ले जाते हैं। ऑपोजिट जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ऑपोजिट, ये सेगमेंट ही भूल गई है यार। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये सवाल नहीं, दोबारा ये सवाल पूछती हूं। ठीक है, क्या समनान वॉशरूम में टाइम लगाते हैं? नहीं, बिल्कुल जाते ही नहीं वॉशरूम, तो जाते हाथ लगा के आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, बस 2 सेकंड के लिए जाते हैं और फिर आ जाते हैं। आप बताएं। ये भी नहीं, ये टाइम नहीं लगाती। मतलब लगाती है? ये नहीं, बिल्कुल नहीं टाइम लगाती। मतलब लगाती है, इसका मतलब वॉशरूम में आपसे सुकून हासिल करने के लिए जाती है। जब बच्चा सो जाता है ना तब भी जाती है।
ताकि आप दूसरे बच्चे, अच्छा ये कहा जाता है कि जो एक तो अपने बच्चे तो होते ही हैं, लेकिन जो हस्बैंड होता है वो भी आपका बच्चा ही होता है, इतना तंग करते हैं। बिल्कुल ये सच बात है, बिल्कुल इतना तंग करते हैं, बहुत इनसे भी जान छुड़वाने के लिए जाते हैं। इवन के छोटा बच्चा है ना, जाहिर सी बात है कि उसकी चीजें थोड़ी सी बिखर जाती है कमरे में, थोड़ा मैसअप हो जाता है, लेकिन ये उससे ज्यादा गंद डालते हैं, गीला टॉवल फेंकते होंगे बैठ, बिल्कुल ये करते हैं, शूज वहाँ फेंक देंगे, फिर मैं कहूंगी कि आपको सफाई नजर नहीं आ रही है, फिर गुस्सा नहीं आता। मैं ना थोड़ी सी ऐसे हूँ कि मैं हर चीज को मैनेज करती हूँ, हर चीज मैनेज, जो इधर इनके कबर्ड में इनके कपड़े हों, बच्चे के इधर हों, पैंपर्स यहाँ पर हों, लेकिन ये ऐसे 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 एक अपनी शर्ट निकालनी हो ना अलमारी से, पहले सारी बाहर फेंकेंगे, और इवन बाहर फेंकेंगे उसके प्राम में सारी चीजें ना उसके उधर फेंक देंगे, अच्छा। कोर्ट में, उसके कोर्ट में फेंक देंगे सारी चीजें, और फिर कहेंगे यार वो मैं ढूंढ रहा था रख लेना, अच्छा। बस ये कह के चले जाएंगे, सर फाड़ने का दिल नहीं करता। अब आप बताएं कि ऐसी बातों पे किसी वाइफ को गुस्सा क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आएगा। अब अम्मी को नहीं आता था ऐसी हरकतें करते थे, आता, लेकिन अब मैंने ना लास्ट वीक इसे कहा था कि मैं अपने आप को चेंज करता हूं, किया न्यू ईयर रेजोल्यूशन था मेरे ख्याल से, थोड़ा सा हुआ ना थोड़ा सा कोशिश करूंगा, अभी एक वीक हुआ। कितने परसेंट हुए? मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी इसके मुताबिक चलूं, मतलब कि जो ये चाहती है इससे बातें भी ज्यादा करूं, और अब इससे बात मैं क्या करूं, इससे कोई बात करूं, अब आप मेरे से बात ही नहीं करते, अब जाओ, अब बंदा क्या बात करे, मैं इससे बात करने जाता हूं। कभी ऐसे करती हैं कि बुलाओ जो बैठ पटे मुझे मनाओ, मैं नाराज हूं? नहीं ये नहीं कहता वो मैं कहता हूं यार ये क्या बात हुई, ये लड़कियों का हक होता है, आपका हक नहीं है ये। मैं ही इसको मतलब मनाता मैं हूं इसको, लेकिन ये कहती नहीं है, कहती कभी भी नहीं, खुद मनाना पड़ता। चलें जी ये सेगमेंट भी हमारा हो गया, बहुत मजा आया, तीसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, उसमें यकीनन हम सबको यहाँ पे मजा आएगा। मैं आपको एक पर्सनैलिटी का नाम बताऊंगी, ठीक है, आपने बताना है अगर उससे आप कोई चीज़ चोरी करनी पड़ी तो क्या चोरी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पर्सनैलिटी है शेख रशीद, क्या चोरी करेंगे उनसे? उनकी बातें, अच्छा डिप्लोमेटिक करते हैं बहुत सारा, आप क्या चोरी करेंगे? मैं ना उनका स्वैग चोरी करूंगा, मतलब कि वो जो हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल जाते हैं अपने मतलब के लिए तो अपना मतलब निकाल के बाहर आ जाते हैं वो, ऐसे करेंगे। अच्छा जी इमरान खान साहब से क्या चोरी करेंगे? पर्सनैलिटी, बहुत नाइस पर्सन है। अच्छा आप आजकल के दौर में मेरे ख्याल से यू टर्न उनका, वो यू टर्न तो आप पहले ही बड़े मारते हैं आप लोगों की बातों से जो राबे ने मुझे पता है ये ऐसे यू टर्न करते हैं ना ज्यादा, और बहुत ज्यादा क्लेवर है यार, ये 10वीं दफा कह चुकी है बहुत तेज है, ये बहुत तेज है, कितने तेज है। आपको जो एक्चुअली ऐसा है कि जो वीडियोस में आपको मासूम सा क्यूट सा चेहरा नजर आता है ना कि मैं नहीं बोलता मुझे ये ना करो ऐसा, ये टोटली पहले यही बात की थी कि हमारे जो कपल्स हैं हाथों पे बैग मार जो है ऐसी वीडियोस देख के बड़ी इंप्रेस हो जाती है, और घरों में लड़ाइयां हो रही होती हैं कि तुम ऐसे ही तुम ऐसे, मतलब वो ये नहीं देखते कि सिर्फ कंटेंट होता है जो आप लोग भी एज अ फन क्रिएट करते हैं, सबकी लाइफ में मसले होते हैं, मतलब ऊपर नीचे चीजें चलती हैं, उसको लेकर साथ चलना पड़ता है। अच्छा जी नवाज शरीफ साहब से क्या चोरी करना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, वो बहुत अच्छे चोर हैं, उनसे क्या चोरी करूं अब ये ना पीटीआई के साथ है, मैं नवाज शरीफ, अच्छा जी एक नया कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ये उनको बुरा भला कहती रहती है लेकिन मैं बस शेर हैं वो, अच्छा शेर है। चलें जी अगली पर्सनालिटी पे चलते हैं, चाहत फतेह अली खान साहब, पहले आपने बताना है राबिया, उनसे आजकल तो काफी ज्यादा वो वायरल हुए हैं, और उनसे आवाज है कहाँ जो आपने चोरी करनी है क्या उनकी आजकल जो वायरल है मैंने उनसे उनकी वो पर्सनालिटी, पर्सनालिटी ठीक आप वो मैं ना पर्सनली उनसे मिला हूँ, वो बड़े हम्बल हैं, अच्छा। बड़े पोलाइट हैं, यकीन करें कि बहुत नाइस पर्सन है वो, बड़ी इज्जत करने वाले बंदे हैं, तो लोग समझते हैं पता नहीं वो एक फनी करेक्टर है या क्या है, लेकिन वो बहुत अच्छा बंदा है, मैं ये चीज उनसे लेना चाहूंगा। चलें जी अच्छा नसीबुल्लाह से क्या चोरी करना चाहेंगे? उसकी आवाज बहुत अच्छी है, शी इज अ लेजेंड, लिविंग लेजेंड है वो, हम भी उसके सुर चोरी करना चाहते हैं। अच्छा जी मरियम नवाज साहिबा से क्या चोरी करेंगे? उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। आप मैं पूरी चोरी करना चाहूंगा अच्छी हो रही लगती है मुझे। अच्छा ये वो कैमरामैन जल्दी फोकस करो एकदम ऐसे करती हूँ और समनान नहीं नहीं परसों मुझे कह रहे थे कि मेरी ख्वाब में कौन आया था, आपकी ख्वाब में यार मेरी ख्वाब में आई थी ये मथीरा
बताते मैं उससे कितनी देर बातें करता रहा यार, बड़ा ही मजा आया बातें करके। फिर आपने ऐसे किया? नहीं, उसके बाद मेरे से बात, मैंने कहा नहीं जाए मतीरा से बात। उसने ना हमारी वीडियो के नीचे ना कमेंट किया था। अच्छा। उसकी आईडी ने। अच्छा, वो हम देख रहे थे, वही कहीं मेरे पता नहीं खास ख्याल में रह गई। मतलब मोबाइल ऐसे ऊपर रखकर सो जाते हैं अक्सर। इतना कमेंट की खुशी थी कि यहाँ मोबाइल रख के सो गए। नहीं, मोस्टली ऐसे ही सो जाते हैं। मोबाइल यहाँ इनके पिलो के नीचे से निकलता है, इनके अपने नीचे से निकलता है सोने के बाद। तो फिर वो ऐसा ही होता है, वाइब्रेट होता तो फिर पता चलता है, क्योंकि हम बेल पे नहीं रखते बच्चे की वजह से। हाँ हाँ। तो फिर ये मुझे सुबह उठ के, यार आपको पता है मेरे ख्वाब में आज कौन आया था? हाँ। मैंने कहा आपको ऐसे खुशी हो रही है जैसे आप वाकई में मिलकर आए। वाकई में मिले तो पता नहीं आप पागल हो चुके। इसने ना शादी के फौरन बाद मेरा फोन पकड़ लिया था। फिर मैंने इसे जबरदस्ती आपका, अब तो कुछ नहीं होता लेकिन शादी के फौरन बाद ना मुझे नहीं पता था ऐसे भी होता है, फोन पकड़ लिया। मैंने कहा पुरानी चीजें डिलीट करने दो। फिर मैंने फौरन से उसको सारा ही अरेज कर दिया। शादी के बाद कभी कुछ पकड़ा है? हाँ, एक दफा इनके दोस्त के साथ मैसेजेस थे, इनके दोस्त के साथ। उसमें क्या गलत बातें आपकी? पुरानी बातें नहीं, नहीं पुरानी बातें थी। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने इतना उस बात का इशू नहीं बनाया। आप तो चेक करती हैं फोन? नहीं, बहुत अच्छी हैं इस मामले में, बहुत नाइस हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, आजकल के जमाने में लॉयल हस्बैंड मिलना बड़ी बात है। बहुत लॉयल हैं। और दूसरा ये कि शादी के बाद ना मैंने अपनी मदर को कॉल कर लिया, तो मेरा फोन चार्ज नहीं था, ऑफ हो गया था। तो मैंने कभी ऑन होगा, तो मैंने उतनी देर इनका फोन पकड़ लिया। मैंने वैसे ही मतलब उनका मैसेंजर ओपन कर लिया, तो एक दो तीन चार लड़की इतनी ज्यादा। आप जो कहते मुझे मैसेज नहीं करते, तो मैं खुश होकर शादी से पहले की बात है ना। फिर इन्होंने क्या किया कि मुझे कमरे में अंदर, मतलब मेरा फोन छीना मेरे हाथ से, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई इंसान से आप जबरदस्ती छीन के कोई चीज ले जाते हो, छीन करना, छत पे भाग के ऊपर से लॉक लगा लिया और सब कुछ डिलीट कर, सब कुछ अपना मैसेंजर उड़ा दिया। ये आप इनका फोन चेक करते हैं? इनका फोन मैं चेक करता हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मोस्टली कभी 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 कभी। हाँ। अच्छा जी, कैटरीना कैफ से क्या चोरी करना चाहेंगी? बहुत क्यूट है, क्यूटनेस। और आप ये ना कहेगा पूरी कैटरीना कैफ, उनकी हाइट। आप हाइट चोरी करना चाहेंगे? अच्छा जी, सलमान खान साहब से क्या चोरी करेंगी? वो तो मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद है, उनको चोरी कर लेंगे। नहीं नहीं, वो अच्छा मैं उतनी, मैं कहती सलमान खान के पैसे। नहीं, उनका फेम, उनका फेम। आप? मैं उनकी पर्सनालिटी, जिस तरह वो लगते हैं ना, बॉडी बिल्डर स्टाइल। हरीम शाह से क्या चोरी करना चाहेंगे? कुछ भी नहीं। उससे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, ताहिर शाह से, यू नो ताहिर शाह? हाँ जी, आई नो वेरी वेल। अच्छा, उनसे क्या चोरी करेंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ है ही नहीं ऐसा चोरी करने वाला जो उनसे किया जाए। आवाज? मेरे ख्याल से बाल है उनके लंबे। अच्छा, वो बंदा कर, और जो अजीब अजीब से ड्रेसिंग करते हैं वो अपने सॉन्ग्स में, वो चोरी करना चाहेंगे? नहीं, वो करना नहीं चाहती, वो उनके अजीब है चीज। उनसे वैसे चोरी करने वाला कुछ है ही नहीं। एंड में एक और चीज, आप सुमनान से क्या चोरी करना चाहेंगी? ये हम्बल बहुत है, ये चीज हम्बलनेस। आप क्या चोरी करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा टाइम टेबल फॉलो करूंगी, जिस तरह ये करते वाले बन जाए। मैनेजमेंट, उनकी मैनेजमेंट चोरी करना चाहेंगे। चलें जी, ये भी सेगमेंट हमारा हो गया, बहुत मजा आया। अभी भी एक और सेगमेंट है, ऐसे नहीं जाने देना, मैंने शुरू में ही कहा था जाने नहीं देना। मजा आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी। चले जी, हम अपने अगले सेगमेंट तरफ चलते हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। इस सेगमेंट में हमने ये करना होगा कि आपके आगे तीन पेजेस हैं और तीन पेजेस सिमिलरली आपके आगे हैं। इसमें एक गाना है, एक मूवी का नेम है और एक मुहावरा है। करना ये है कि आपने पहले ये उठाना है बोर्ड, आपने ऊपर पढ़ना क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ होगा आपने राबिया को गेस करवाना है, लिप सिंक किए बगैर, सिर्फ एक्शन से आपने गेस करना है। ठीक है, सेम आपने भी इस तरह करना है। तो पहले सुनान आपसे स्टार्ट करें या राबिया? मेरे से ज्यादा ठीक है। चलें जी, उठाएं, खुद नहीं देखना, राबिया की तरफ करना है। अच्छा, ये बेसिकली मूवी नेम है। ठीक है, चलें गेस करवाएं। चूड़ियां। ये तो बहुत आसान था, पता था गेस कर लेने। आज हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बहुत आसान रखा था। चलें जी, बाबू उठाएं, बताएं इन्हें मूवी नेम है क्या है। ये एक मुहावरा है। नहीं, मुहावरा मूवी नेम है। ये मूवी है। ठीक है, मुहावरा कैसे है? अच्छा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। पैसे, घर, पैसे, पैसे सर्कल में, स्क्वायर में, एक मिनट, स्क्वायर सर्कल में कौन से पैसे होते हैं? पैसे स्क्वायर,
कैमरा आप पता चलेगा क्लिक स्क्वायर आप पता चलेगा खराब है गैस डब्बा आंख गोली मारो क्या खिड़की विंडो क्या दरवाजा दरवाजे को गोली मार दो दरवाजे को गोली मार दो सेल्फी सेल्फी कैमरा वैसे जिस तरह आप गेस करवा रहे हैं हमसे नहीं होना है बहुत पूरा गेस करवा रहे हैं चलें जी टाइमर शुरू करते हैं आप करते रहे मैं टाइमर शुरू कर रही हूँ 10 9 8 बहुत प्यारी लग रही है seven, क्या कोई लड़की दरवाजे में खड़ी अच्छी लग रही है सिक्स किसी five, लड़की की पिक्चर है फोर पिक्चर तस्वीर थ्री तस्वीर टू वन चलें जी बताएं क्या था कायदे आजम गैस करवा रहा था नोट के ऊपर पिक्चर है वहां तक पिक्चर तक नहीं आ पहुंचे कायदे आजम जिंदाबाद इट्स अ पाकिस्तानी मूवी जो आपने गैस नहीं की और बहरहाल आपने गैस भी बहुत बुरा करवाया था चलें जी बाबू टाइम पहले वाला पेज फेंक दे तो आपने नहीं देखना हां पहला अच्छा अच्छा सॉरी पहले वाला नहीं इन्होंने देख लिया नहीं वो तो पहले हो चुका हुआ थर्ड दे अच्छा हां चलें पढ़ लिया आपने चले रखते बेसिकली ये मुहावरा है ठीक है गैस करवाएं आप चलते हुए नहीं बोलना नहीं है हाँ दौड़ लगा के हैया नहीं वो दौड़ लगा के हैया होता है अच्छा बताओ दोबारा बताओ चलते चल चलते चलते पहुंच गया बताओ दोबारा जल्दी जल्दी चलते 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 ठीक है 10 9 8 7 6 भाग जोर लगा के हैया ये बताएं भागम भाग कौन सा मुहावरा है चलें जी मैं टाइमर पे थी लोग टाइमर से हटा लेते हैं 5 4 भाग 3 2 1 टाइम्स अप बताएं जी क्या था सुनान भागते चोर की लंगोटी सही यार मुझे अब भागना बता दिया तो चोर तो बताओ ना तो मैंने कहा था उसने चोरी की है जैसे कैसे चीज ऐसे चलें जी अब आपकी बारी हाँ ऐसे फोल्ड करें चलें थोड़ा सा इसको ऊपर करें ठीक है ठीक है ठीक है चलें रख दें फोल्ड करके रखते हैं क्या है ये बताएं बाजू के नीचे बाजू के नीचे बच्चा रख दिया यार इस बॉडी पार्ट का नाम बताएं ना जो आपसे पूछ रहे हैं बाजू के बैक में बगल बगल बच्चा हाँ बगल में बच्चा पकड़ लिया हाँ बच्चा हाँ सारी दुनिया से लेके भाग गए क्या बगल बच्चा सारी दुनिया बकवास है सारी दुनिया ही बकवास है बोल रही हैं चिड़ियां बोल रही हैं क्या चले गाइस मुझे लगता है टाइमर चलने लग गई है और टाइमर शुरू कर लेने चाहिए क्योंकि ये एक वर्ड भी गेस नहीं कर रही है तुमसे नहीं होना 10 9 बगल में बच्चा 8 7 बगल में बच्चा और मेरे राम राम फोर है ना 4 3 2 1 टाइम्स अप बताएं क्या था बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा पूरे शहर में आपने बता तो स्पीकर का इशारा करते हैं ना एक मिनट मैं बता तो रहा हूँ एक मिनट लड़े मत ये बगल में बच्चा मुंह में राम राम कौन सा मुहावरा है पहले इनसे ये पूछे नहीं कुछ ऐसे एक मुहावरा था बचपन में पढ़े थे बगल में चुरी मुंह में चलें जी अब आपकी बारी आपका हो गया ना एक मिनट कट आपकी भी इनकी भी इनकी है ये तो हो नहीं अब भाग चलें चलें जी समनान अब आपकी बारी It's a song. तुम पास आए तुम
तुम पास करीब इधर घर दोबारा बताओ तुम समझ आ गई ना इधर पास यहाँ तुम यहाँ हाँ हाँ मैं तुम इधर इधर तक ठीक है हाँ तुम इधर घर अच्छा ये भी बता देते हैं पाकिस्तानी सॉन्ग तुम इधर आगे बताओ तुम इधर चलें जी टाइम्स अप अब मैं टाइमर करने लगी हूँ 10 9 8 तुम इधर 7 हमारा 6 5 4 3 तुम 2 1 टाइम्स अप बताएं जी उन्होंने बताना सॉरी इन्होंने मुझे भी घुमा दिया बताएं तुम चले आओ पहाड़ों की कसम चलो मैं आपको इधर कह रहा हूँ आपने कहना था नहीं उस टाइम तो मैं कहीं जा रही हूँ मैंने कहा इधर आओ तो मैंने कहा शायद थोड़ा सा आपको समझ आ जाए और ये चले आने का तो आपने बोला नहीं पहाड़ भी बोल रही हूँ ऐसे ऐसे यार इसे घर होता है पहाड़ होते हैं इस तरह बड़े ऐसे ऐसे क्या होते चलें जी चलें जी अब आपकी बारी ये सॉन्ग रह गया ना हाँ जरा ऊपर करें सेकंड पेज एक और पेज करें ये तो बड़ा इजी है कैसे कर लेंगे आप मैं मेरा 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 वादा हाँ मेरा, ये फोल्ड कर दें मेरा आपका मेरा मेरा साथ उसको देखें मेरे साथ हक कर लो क्या अच्छा बता दे इंडियंस हो गए पाकिस्तानी 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 अच्छा राहत फतेह अली खान अच्छा उसी का ही है हम बता दे नहीं खेलते नहीं है आप मेरा चैलेंज ये 10 9 8 मेरा 7 6 5 4 मेरा सब कुछ गलत हो गया 2 1 टाइम्स अप बताएं जी गा के बताएं कौन सा मेरे पास से तुम थोड़ा सा गाते हैं मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो बहुत या आता नहीं था लिरिक्स बोल बहुत अच्छी बात आप ये कहना था कि मेरे पास तुम हो तो वो बोल नहीं सकते थे ना वो यही पास कर रहे हैं कैसे कहते हैं पास की तो क्या पास मिलो ये पास नहीं ऐसे नहीं होता चलो माफ कर दें बहरहाल मैं कहना चाहूंगी कि ये गेम आप दोनों ने बेहद बुरी खेली है चलें जी ये भी हमारा सेगमेंट हो गया बहुत अच्छा सेगमेंट था एंड में आप दोनों जो मैरिड कपल्स होते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे पहले आप मैं मैरिड कपल को ये कहना चाहता हूँ कि इधर की बात आपने उधर नहीं करनी यानी कि घर वालों की बात आपने आगे नहीं बतानी कि फलां घर वाला मुझे ये कह रहा है और वाइफ की बात जाके घर में नहीं बतानी कि वो ये कह रहा है अपने तक रखें हाँ अपने तक रखें तो जिंदगी खुश रहेगी शुरू शुरू में लोग क्या करते हैं मामा जी उसने ये कर दिया बीवी को कहते हैं कि घर वालों ने ये कर दिया वो आपस में इनकी ना नफरत पैदा हो जाती है ऐसे ही है बॉन्डिंग नहीं हो पाती हाँ ये प्रैक्टिकल बात है इसको करके देखेंगे फायदा होगा आप जी मैं ये कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ की अक्सर आपस में लड़ाई होती है लेकिन मिलजुल के रहने में ही मजा है प्यार से रहने हाँ जी यार सही है थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर प्रेशियस टाइम बहुत मज़ा आया आप दोनों के साथ अल्लाह ताला आप दोनों को हमेशा खुश रखे और साथ रखे बहुत ही प्यारा कपल है आपका सो गाइस ये था हमारा आज का एपिसोड हमारा आज का ये कपल उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और जो हमारे प्रीवियस एपिसोड हो चुके हैं आपको वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और इसके साथ साथ अगर आप हमारे शो में एज अ कपल आना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं या फिर हमारे फेसबुक पेज क्लिक एंटरटेनमेंट पर हमें मैसेज करके बताएं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़